हाय फ्रेंड्स, मु तपन आपण मन स्वागत करुचे ओडिशा स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल को। तो आज आम डिस्कसन करवा आर आई आर अमीन एस एफ एस और आई सी डी सुपरवाइजर पर जिके टॉप 30 सिलेक्टेड क्वेश्चंस। तो यहाँ हूँ पार्ट 11, आगर 10 पार्ट अपलोड हो सारी जो मैंने देखी ना प्लेलीस्ट भिडियो देखिपर। तो यू आपको एक्जाम डायरेक्ट क्वेश्चन देखापी मिले, से भिड को स्कीप नक शेष जाए देखापी चेषा करेंगे। तो देखु सिलेक्शन पाइबापी हेल्ला आपण मूँ सबुद पाठ पढ़ापी पड़ो। आपन जब आज पाठ पढ़े 5 दिन कड़े पलैबे तापर आसिक पाठ पढ़े सेमती हेल्ला के सिलेक्शन हेनी। से आपण मूँ सबुद पाठ पढ़ापी पड़ो। आपण मूँ गोटे कनसीस्टेन्सी मेन्टेन करी पाठ पढ़ापी पड़ो, ताल आप 100% सिलेक्शन नहीं जापर। तो लेट करें, चलतु क्लास स्टार्ट करवा। आज प्रथम क्वेश्चन टी कौन रही, Who was affectionately known as the Grand Old Man of India? तो इंडिया ग्रांड ओल्ड मैन क्या कहा जाए? इजी क्वेश्चन रही है, सिलेक्टेड मध्य रही। तो राइट आंसर टी दादा भाई नारूजी। तो दादा भाई नारूजी को इंडिया ग्रांड ओल्ड मैन कहा जाए, ठीक अच्छे। तो एग्जाम आप डायरेक्ट क्वेश्चन पाइबे, हिट करके पलैबे, ठीक अच्छे। तापर दुई नंबर कौन रही, The 12th five-year plan will be operative for the period. तो 12th five-year plan रो टाइम पीरियड पचारी, 12वां पंचवार्षिक योजना रो टाइम पीरियड पचारी। दुई नंबर आंसर कौन है, 2012-17। 12th five-year plan रो टाइम पीरियड हूँ 2012-2017। ओके, तापर कौन रही, The Pulitzer Prize इज एसोसिएटेड विथ हिच अफ द फलोईंग। पुलिट्जर प्राइज क्या सहित जड़ित पचारि, क्या सहित एसोसिएटेड पचारि। पुलिट्जर प्राइज कौन थे दि जाए था? जर्नालीजिम, ठीक अच्छे। जो पुलिट्जर प्राइज केत मसीह तार प्रतिष्ठा होता एस्टाब्लीश होता 1917। ओके, डेट एत इम्पोर्टाट ना, बाकी कौन थे दि जाए था इम्पोर्टाट रही, ठीक अच्छे। तो जो मैंने जानते दुई मिनिट वीडियो को स्किप करके पलै जातु। तो देखु आर आई आर अमीन एस एफ एस और आई सी डी सुपरवाइजर पर टेलीग्राम आमर गोटे पेड ग्रुप रही। तो जो मैंने जॉइन हेपा इंटरेस्टेड अच्छा जॉइन हो पारे। तो ये आपण मूँ डेली सबू सब्जेक्ट रु 50 क्वेश्चन प्राक्ट करने मिल, जमीक जिके 10, ओडिया 10, मैथ 10, इंग्लीश 10 और रिजनिंग 10। यह सहित 10 फुल मॉक टेस्ट सहित तार सल्यूशन मिल जाव। फुल मॉक टेस्ट देखे आपण मर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ो, आपण मैंने 100 मार्क रू के मार्क रखुन जापर आई अनुसार प्रिपेरेसन करेंगे। तो ये जॉइन हेपाई हेल्ले प्राइस रही ओल्ड स्टूडेंट मान 55, न्यू स्टूडेंट मान 75। तो ओल्ड स्टूडेंट कौ मैंने ना, जो मैंने आगुरी आम टेलीग्राम जेकोसी पेड ग्रुप जॉइन होते हैं 55 टका पे करेंगे, और जो मैंने न्यू स्टूडेंट अच्छे से 75 टका पे करेंगे। तो ये जो नंबर टी रही है, ये नंबर आपण मैंने फोनपे ना गूगल पे मध्यम पेमेंट करदे, नेम आसो तपन कुमार बेहरा। पेमेंट कर सारापर तार स्क्रीनशॉट आपण मैंने नंबर व्हाट्सएप रही पठाईदे, स्क्रीनशॉट पठाई सारापर मुझे ग्रुप जॉइन करदेवि। तो देखु से ग्रुप जॉइन है आपण मूँ स्टडी मटेरियल मिल, ओडिशा जिके 400 अधिक सिलेक्टेड क्वेश्चन मिल, जिके 500, कंप्यूटर 300, साइंस 800, करंट अफेयर मध्य मिल जाव लास्ट 6 मंथर। तो यह सब आपण मानक पीडीएफ फॉर्मेट रे मिल जाव। तो आपण मैंने जो दिन भी जॉइन हूँ ना कहीं सब स्टडी मटेरियल सहित तो फुल मॉक टेस्ट पाइबे, से व्यस्त हो दरकार ना। तो देखो टेलीग्राम एमती ग्रुप रही, तो एमती क्वेश्चन आसव ऑप्शन रही, जो ऑप्शन टा आपण मानक ठीक लगे आपण मैंने से क्लिक करेंगे सांगे सांगे जना पड़े से भूल कि ठीक। तो ये ऊपर जो ग्रुप नेम लिखाई से क्लिक करेंगे तापर एमती पेज आसो। तो ये जो फाइल्स लिखाई से क्लिक करेंगे तापर एमती पेज आसो। तो ये सब स्टडी मटेरियल सहित फुल मॉक टेस्ट रही आपण मैंने डाउनलोड करके प्रिपेरेसन करेंगे। तो जो मैंने भी एग्जाम पर सीरीयसली प्रिपेरेसन करें जल्दी जल्दी जॉइन हो जातु। तापर 4 नंबर कौन रही, एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर ह्यूमिडिटी। कौ इंस्ट्रूमेंट द्वारा ह्यूमिडिटी मेजर कर जाए थाई?
तो ये क्वेश्चन टा आरआई एग्जाम रे आसी थिला ठीक अछि 2021 रे जो आरआई एग्जाम हे थिला तथरे ये क्वेश्चन टा आसी थिला तो जो दिन आरआई एग्जाम हे थिला ता पूर्व दिन जो वीडियो मु जीके रे अपलोड करी थिले ये क्वेश्चन टा देथिले तो ता पर दिन पूरा ही डायरेक्ट क्वेश्चन आसी थिला ठीक अछि तो जहां भी पढ़ा जाउछि ता भीतर एग्जाम रे क्वेश्चन आसुछि ओके आंसर जो हाइग्रोमीटर तो हाइग्रोमीटर द्वारा ह्यूमिडिटी मेजर कर जाय थाय ठीक अछि एनेमोमीटर द्वारा विंड रो स्पीड मेजर कर जाय थाय विंड स्पीड आपण माने टिके टिके नोट करि नियंतु ठीक अछि थर्मोमीटर द्वारा टेम्परेचर समस्त जानि छथि आ पाइरहेलियोमीटर द्वारा कोन मेजर कर जाय थाय ना डायरेक्ट सोलर रेडिएशन ठीक अछि तो समस्त टिके टिके नोट करि चलंतु कॉपी आ पेन नै के बसंतु ठीक अछि तापर कोन रही छि हु आज द मदर ऑफ महावीर हिस्ट्री ऊपर क्वेश्चन रही छि महावीरंकर मा किए थिले पांच नंबर आंसर कोन हि जेबो त्रिशला ओके ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यदि फादर पचारी थांता पिता किए थिले तने आंसर कोन हि थांता ना सिद्धार्थ ठीक अछि सिद्धार्थ ओके महावीरंकर मा थिले त्रिशला आउ पिता थिले सिद्धार्थ ओके तापर कोन रही छि द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन द ईयर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो तृतीय पानीपत युद्ध होइथिला तो केबे होइथिला थर्ड बैटल ऑफ पानीपत पछारी छि 1761 होबो ठीक अछि 1761 फर्स्ट केबे होइथिला फर्स्ट होइथिला 1526 रे सेकंड केबे होइथिला ना 1556 रे थर्ड होइथिला 1761 रे ठीक अछि तो सब होइथरे मेंशन रही छि ओके तो बैटल ऑफ पानीपत तीनोटी हेतिला फर्स्ट सेकंड थर्ड ओके मन रखंतु तापर कोन रही छि ज्ञानपीठ अवार्ड इज गिवन फॉर द एक्सीलेंस इन द फील्ड ऑफ ज्ञानपीठ अवार्ड कोन फील्ड रे दिया जाय थाय लिटरेचर हे जेबो ठीक अछि तो ज्ञानपीठ अवार्ड लिटरेचर रे दिया जाय थाय ओके तो जो माने वीडियो को लाइक करी नांते फटाफट लाइक करंतु संगा मन को शेयर करंतु ओके लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब पर उड़ाई दियंतु तो 1 लाख रो हमें बहुत पाखरे रहिछे सति भाई समस्त टिके सब्सक्राइब करंतु ठीक अछि तापर कोन रहिछ द केबल लेमज ऑफ द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड इज इन तो विश्व रो एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क माने भासुथिबा कोन नेशनल पार्क कौठी रही छी एटा इंडिया रही छी इंडिया रे कौन स्टेट रही छी 8 नंबर के कोई परिवो मणिपुर रे ओके ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर तो विश्व रे एकमात्र भासुथिबा नेशनल पार्क कौठी रही छी ना मणिपुर रे तार नाम होची केबुल लेमजो नेशनल पार्क ओके तापर कैडमियम पोल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ साइंस ऊपर गुटे क्वेश्चन रही छी देखंतु आपन मान को एग्जाम रे जो जीके रे 20 टी क्वेश्चन आसीबो तो सेथिरे दुई तीनटा साइंस क्वेश्चन रहिबो ठीक अछि तो आपण माने पुनी कमेंट करिवे सर साइंस तो सिलेबस रे नै आपण काहे कि साइंस क्वेश्चन करौछन्ती जीके मेंशन अछि माने जीके अंडर रे साइंस आसीबो ठीक अछि तो कैडमियम पोल्यूशन कहा सहित जड़ित इटाई डिजीज सहित इटाई जो गुटे रोग बा डिजीज ओके तो कैडमियम पोल्यूशन टा इटाई डिजीज सहित एसोसिएटेड ओके तापर द ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज फाउंडेड तो इंडस वैली सिविलाइजेशन रो ग्रेट बाथ माने गाधोइबा पई सब उठारु बडो जागा ठीक अछि तो सेटा कोंठी मिलिथिला 10 नंबर आंसर कोन हे जीवो मोहनजोदारो ठीक अछि इंडस वैली सिविलाइजेशन रो ग्रेट बाथ कोंठारे मिलिथिला ना मोहनजोदारो उठारे तापर कोन रही छि हु इन्वेंटेड हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर के इन्वेंट करिथिले देखते आप क्वेश्चन को गुगुल सर्च करेंगे बहुत नेम आसो ठीक अच्छे किए प्रथम इनवेट करते किए सक्सेस पाइले ना तो तापर किए ताकू मॉडिफाई कले एमती बहुत जन नाम रही है ठीक अच्छे तो ऑप्शन अनुसार आम कौन मार ना ब्रिक्वेट ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर ठीक अच्छे हेलिकॉप्टर किए इनवेट करते ना ऑप्शन अनुसार ये ब्रिक्वेट हम तापर कौन रही गैस रिलीज ड्यूरिंग भोपाल ट्राजेडी वाज जो भोपाल गैस ट्राजेडी होता कते मसीह ना 1984 रे तो सेथिरे कोन गैस लीकेज हेतिला पचारी तो सेथिरे बहुत जण मरी जाइथिले बहुत इंजर्ड हे जाइथिले ओके 12 नंबर आंसर कोन हो मिथाइल आइसोसियनेट
मन रखु एक्जाम आप डायरेक्ट क्वेश्चन पाइबे। ओएमसी एक्जाम थे दुई हजार कोड़े पखापाखी तो से क्वेश्चन थे पचारि ठीक अच्छे। तो भोपाल गैस ट्राजेडी होता है क्या भी इंपोर्टेंट रही है 1984 कौन गैस लिकेज होता ना मिथाइल आइसु सियानेट। ओके दु तीन थर आखि बुझिकी मैंने रिकल कर दिखाँ मन रही। ओके पाठ को जिते रिकल करेंगे से मन रही आपण मैंने दिन सारा जहाँ भी पढ़ुंट राति से शोला बेले से सब आखि बुझिकी मन पका देखिए मन रही ठीक अच्छे। तो सेमती ही पाठ पढ़ा जाए। नेशनल बोटानिकल गार्डन इज लोकेटेड एट नेशनल बोटानिकल गार्डन कौटी अवस्थित 13 नंबर आंसर कौन हो कोलकाता हम ऑप्शन नंबर बी को मारिकी जा ठीक अच्छे। तो आपड़ी के कोलकाता जाते निति भाव नेशनल बोटानिकल गार्डन बुलिक आसवे ठीक अच्छे। अक्टूबर एंड नवेम्बर मंथ गिव मोर रेनफॉल टू तो क्वेश्चन कौन पचार अक्टूबर एंड नवेम्बर मंथ गिव मोर रेनफॉल टू तो अक्टूबर एवं नवेम्बर मास रे जो रेनफॉलटा होता है तो सी क्या अधिक रेनफॉल दे था रेनफॉल रुड़िया कौन वृष्टिपात। ओके 14 नंबर आंसर कौन हो आंसर हम करमंडल कॉस्ट ऑप्शन नंबर डी मारिक जावा ठीक अच्छे। अक्टूबर एंड नवेम्बर मंथ कि मोर रेनफॉल टू क्या हो करमंडल कॉस्ट। ओके कौन रही Which of the following countries are connected by the Polk Strait? Polk Strait द्वारा कौन दुईट देश कनेक्ट होती आपण मैंने Polk देखिक पाकिस्तान खोजे ठीक अच्छे। Polk देखिक पाकिस्तान ऑप्शन रे खोजे ओके। तो Polk Strait क्या क्या कनेक्ट करुच इंडिया और श्रीलंका को ऑप्शन ए राइट आंसर रही है ठीक अच्छे। Polk Strait कनेक्ट करुच इंडिया और श्रीलंका को यह क्वेश्चन टाइम बहुत थर एग्जाम आसी इंपोर्टेंट रही। ओके तापर कौन रही व्हिच स्टेट इज रिच इन जूट तो कौन स्टेट जूट उत्पादन रे रिच रही मैंने सब धनी रही 16 नंबर आंसर कौन हो वेस्ट बंगाल ठीक अच्छे। तो वेस्ट बंगाल हूँ जूट उत्पादन रे सब धनी रिच। ओके तापर द हेडक्वार्टर्स ऑफ WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रो हेडक्वार्टर कौन रही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेडक्वार्टर पर क्वेश्चन रही है यहाँ पर एग्जाम क्वेश्चन आसी था जो मैंने भी फॉरेस्टर फॉरेस्ट गार्ड LSI एग्जाम देते से जानते हैं बारंबार क्वेश्चन आसूला सब शिफ्ट जिते भी शिफ्ट एग्जाम हो सब शिफ्ट यह क्वेश्चन आसूला जिनिवा हम जिनिवा कौन रही है स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड। ओके WTO फॉर्मेशन के 1995 मन रखु 1995 हेडक्वार्टर रही है जेनिवा स्विट्जरलैंड। व्हिच स्टेट इज कॉल्ड द राइस बाउल ऑफ इंडिया ये क्वेश्चन मुझे आगे करी रिपीट हो जाए ठीक अच्छे। रिपीट हेल्ले भल कथ आपको रिविजन होते जन मन रखिंट जना पड़ो तो इंडिया राइस बाउल कौन स्टेट को कह जाए गोटे हूँ सुगार बाउल आ गए राइस बाउल। सुगार बाउल कह जाए क्या यूपी को उत्तर प्रदेश को कहीं सेठे अधिक लोक चाह पी था। ओके तो राइस बाउल को आजा आंध्र प्रदेश को ऑप्शन ए राइट आंसर। राइस बाउल आसिले आंध्र प्रदेश मारे सुगर बाउल आसिले यूपी को मारे ठीक अच्छे। तापर कौन रही हु एस्टिमेटेड द नेशनल इनकम फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया तो इंडिया प्रथम थर पर नेशनल इनकम किए एस्टिमेट करते बढ़िया क्वेश्चन गोटे रही दादा भाई नारूजी हो दादा भाई नारूजी तो दादा भाई नारूजी को एक नंबर कही कौन कह जाए इंडिया ग्रैंड ओल्डमैन को आ जाए। ओके तो से ही नेशनल इनकम इंडिया रे फर्स्ट टाइम एस्टिमेट करी थी ले। ओके तापरे नेम द पॉलिटिकल गुरुज ऑफ महात्मा गांधी महात्मा गांधी राजनीतिक गुरु को किए थे 20 नंबर आंसर कौन हो गोपाल कृष्ण गोखले ऑप्शन ए मारिक जावा ठीक अच्छे। तो महात्मा गांधी पॉलिटिकल राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले एटा इजी क्वेश्चन रही छोट पिला को भी पचारे से आंसर देदेव कहीं आम स्कूल समय क्वेश्चन टा पढ़ के कंट्री करेन्सी और कैपिटल ऊपर क्वेश्चन रही है इएन इज द करेन्सी ऑफ इएन कहार करेन्सी पचारी इएन तो समस्त जानते कौन जापान रो थाइलैंड रो कौन भाट। ओके आउ युगोस्लाभिया रो कौन युगोस्लाभिया रो डिनर मेक्सिको रो कौन मेक्सिकन पेसु
मेक्सिकन पेसो ओके तो देखंतु कंट्री करेंसी और कैपिटल ऊपर मोर गुटे सेपरेट वीडियो रही छि आपण माने यूट्यूब रे सर्च करिवे कंट्री करेंसी कैपिटल बाय उड़ीसा स्टडी सेंटर तो आपण मानको मोर वीडियो मिल जइबो आपण माने से वीडियो देखि परिवे ठीक अछि तो सेटा पूरा घुसि दियंतु ओके तो ता भीतर हु आपण मानको एग्जाम रे क्वेश्चन देखिया पे मिलिवो नासिक इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर नासिक को नदी कूल रे अवस्थित 22 नंबर आंसर कोन हिजिवो गोदावरी नासिक होची गोदावरी नदी कूल रे अवस्थित नेहरू ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विथ नेहरू ट्रॉफी कहा सहित एसोसिएटेड कहा सहित जोड़ित 23 नंबर आंसर कोन हिजिवो हॉकी होबना फुटबॉल होबो ठीक अछि तो आज रो ए क्वेश्चन टी आपण मानको पई होमवर्क रहउछि तो ये क्वेश्चन आंसर टी आपण मानको कमेंट बॉक्स रे कमेंट करिया पई पड़िबो नेहरू ट्रॉफी कोन थरे दिया जाय थाय हॉकी फुटबॉल कबड्डी और टेबल टेनिस रही छि ओके तापर जीवा नेक्स्ट 24 नंबर ओडिसी क्लासिकल डांस ओरिजिनेटेड इन ओडिसी क्लासिकल डांस कोन स्टेट रो ओरिजिनेट हिछि ओडिसी कथा आछि आमे किछि भाबिबे कि ओडिसा त आखी बुझिकि मारिबा ए क्वेश्चन रे आमे गुटे मार्क सियर नै कि आसीबा एथिरे कहारे भी भूल हवा कथा नुहे ठीक अच्छे ये क्वेश्चन जब भूल करेंगे पाठ कहीं पढ़े कहतु ओडिसी हूँ आम ओडिशार ओके तापरे वो डिस्कवर अमेरिका अमेरिका किए डिस्कवर करते 25 नंबर आंसर कौन हो कोलंबस ऑप्शन बी राइट आंसर कोलंबस अमेरिका डिस्कवर करते ठीक अच्छे तापरे 26 द फास्ट वुमेन टू स्विम अक्रॉस 7 इंपोर्टेंट सीज इज तो प्रथमे केउ महिला 7टी समुद्र पहरी थिले 26 नंबर आंसर कोन हिजिवो कि बुला चौधरी ओके बुला चौधरी होचोन्ते प्रथम महिला जे कि 7टी इंपोर्टेंट समुद्र पहरी थिले ठीक अछि तापरे पुनी साइंस उपर एकटे क्वेश्चन रही छि इंसुलिन वाज डिस्कवर्ड बाय इंसुलिन के डिस्कवर करथिले आंसर हिजिवो फ्रेडरिक बेंटिंग तांकर फुल नेम होची फ्रेडरिक ठीक अछि फ्रेडरिक बेंटिंग तापरे हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र बुक किए लिखिथिले अर्थशास्त्र तो कौटिल्य लिखिथिले कौटिल्य आमे जानिछ कौटिल्य ऑप्शन रे तो कौटिल्य नाही कोन करिवा देखंतु कौटिल्य जीए चाणक्य सीए विष्णुगुप्त मध्य सीए ठीक अच्छे विष्णुगुप्त तो ऑप्शन रे कौटिल्य नहीं किंतु चाणक्य अच्छे चाणक्य मारिकी जीवा चाणक्य तीनोटी नाम कौटिल्य और चाणक्य और विष्णुगुप्त ठीक अच्छे तो तीनोटी नाम मन रखु एग्जाम कौनटा भी आसपे आप खोजुए जब गोटे जानी आ दुईटा नन न खोजु थे ठीक अच्छे तो 28 नंबर बी हम राइट आंसर ओके तो देखंतु आपण मानक मध्यरो जो मानकर मैथ हो नाई बा जो माने मैथ रे वीक अछंती तो सामने मोर मैथ रो चैप्टर वाइज कंप्लीट वीडियो देखि परिबे तो परसेंटेज हे गला प्रॉफिट लॉस सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा एमिति सीरियल वाइज सब वीडियो देखि परिबे तो केमिति सब वीडियो देखिबे ना यूट्यूब रे सर्च करिबे ओडिसा स्टडी सेंटर तो जोंठी सब्सक्राइब लिखाई छि तार साइड रे जॉइन लिखाई छि तो जॉइन बटन रे क्लिक करिबे तापर एमिति पेज आसीबो तो ये लिखा है सिल्वर प्लान 89 पर मंथ तो ये जॉइन रे क्लिक करके आपण माने पेमेंट करदे ये सब वीडियो खुले जीव आपण माने सब वीडियो देखिपर तो आपण माने सब वीडियो देखिपर ना प्लेलिस्ट सेक्शन को जीवे ये लिखाई मैथ जीरो टू हीरो बैच तो ये क्लिक करके सब वीडियो देखिपर तो आपण माने सब मैथ वीडियो देखु मुझे ग्यारंटी दूसरी आपण मान मैथ बहुत स्ट्रंग हो जाफल आपण मैंने परीक्षा भल मार्क आनीपर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी किए इंट्रोड्यूस करथिले आंसर जो लेनिन ऑप्शन नंबर डी मारिकी दिबा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेनिन इंट्रोड्यूस करथिले ठीक अछि इन व्हिच स्टेट इज साइलेंट वैली लोकेटेड साइलेंट वैली कोन स्टेट रे रहिछि केरल हे जो साइलेंट वैली केरल रहिछि ठीक अछि तापर Who is considered as the father of Constitution of India? तो
ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନର ଫାଦର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏକତିରିଶ ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ବି ଆର୍ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କୁ, ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ବି ଆର୍ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଆର ଯେଉଁ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ରହିଛି ବା ସମ୍ବିଧାନର ଫାଦର କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆଜିର ମୋର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି।